फिर से स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे 12th के कोर्स को। आज हमने बायो स्टार्ट कर दी, जल्दी आपसे फिजिक्स और मैथ्स के टीचर भी मिलेंगे, केमिस्ट्री के तो हम खुद ही हैं। केमिस्ट्री के कुछ वीडियोस पहले से पड़े हुए हैं जिनका हम सॉल्यूशन कराएंगे। चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बस हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की, जिससे हम और आगे बढ़ सके और 12th का कोर्स खत्म कर सके। आप हमें सपोर्ट देंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। आपने कई बार पुरानी मूवीज में देखा होगा कि दो फूल मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, दो फूल मिलते हैं और फिर वहां रिप्रोडक्शन हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं। पर प्लांट्स में कैसे होता है, लोगों ने बहुत सोचा कि प्लांट्स में आखिर होता कैसे है। तो आइए पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देखिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो सकता है, बट इस चैप्टर में जो हमें बात करनी है वो सिर्फ सेक्सुअल की बात करनी है। और जब भी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं सेक्सुअल की, तो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। किसमें किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्यूजन, उसके पहले की बात और उसके बाद की बात, इन्हीं तीनों बातों में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। पर उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है। तो हम एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, पर आप हंसिएगा मत क्योंकि मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है नहीं। और ये हुआ फ्लावर। जितने बच्चे भी हंस रहे हैं कृपा करके हंसे नहीं, और हम इसको मिटा देंगे क्योंकि हम नीचे से बनाना भूल गए थे। तो ये रहा फ्लावर आपका। थोड़ी सी शांति, सन्नाटा। और ये डायग्राम बनने की कोशिश में लगा हुआ है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम में थोड़ी सी कमजोरी है, कल से बॉर्नविटा पिलाएंगे तो शायद टॉलर स्ट्रॉन्गर शार्पर भी हो जाए। देखिए बच्चों, ये वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं, बहुत गर्मी भी है और आप इंस्टाग्राम पे जाके बिहाइंड द सीन्स भी देख सकते हैं आपका मन है तो। बिहाइंड द सीन्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिना फैन ऑन के कितनी गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं और बाकी टीचर्स भी यही करते हैं। तो अगर हम फ्लावर को नेम दिया जाए, देखिए डायग्राम और ड्राइंग में क्या डिफरेंस है, ये रहा डायग्राम, पर अगर हम इसको नेम कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, डायग्राम। तो आइए नेमिंग करते हैं। ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ये होता है ओवरी, और इसके बाहर का होता है ओव्यूल। अब अगले वाले को अगले कलर से लिखते हैं जिससे पता चलेगा कि हम बहुत अमीर हैं। ये होता है फिलामेंट, ये होता है एंथर, और बाकी को हम ब्लैक से लिखेंगे। इसको कहते हैं कैलिक्स या फिर सेपल्स, इसको कहते इसको कहते हैं कोरोला और पेटल्स, और इसको कहते हैं कैलिक्स और सेपल्स। तो देखिए अलग अलग कलर से लिखने का कारण क्या है। जो रेड वाले दोनों बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, ये दोनों होते हैं मेल पार्ट और इन्हें कहते हैं हम एंड्रूशियम। और जो बच्चों ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, ये चारों ग्रीन जो होते हैं ये फीमेल पार्ट होते हैं और इन्हें कलेक्टिवली कहते हैं गाइनूशियम। ठीक, एंड्रूशियम को रेड से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर कलर ब्लाइंडनेस। पिस्टिल कहा जाता है एंथर फिलामेंट को एक साथ। सॉरी इतनी बात करते हैं, इसके आगे की बात आगे बताते हैं। तो ये एक फ्लावर का पार्ट है, मेल और फीमेल पार्ट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा बच्चों, मेल कैसे ग्रो करता है और फीमेल कैसे ग्रो करता है। तो इस डायग्राम को आप देख चुके हैं, अब बात करते हैं मेल और फीमेल के ग्रोथ की। अब मेल और फीमेल मतलब प्री फर्टिलाइजेशन आखिरकार होता क्या है, तो पहली हेडिंग डालते हैं हम बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन। ज्यादा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में होता है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ गेमेट्स। ठीक है, मैच्योरेशन ऑफ गेमेट्स।
धीरे धीरे हम क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश में है, जल्दी हम कहीं ना कहीं से लाइट भी लगा देंगे। तो फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स में होता क्या है, दो गैमेट हमारे पास होते हैं, मेल गैमेट, और यहां पे मेल गैमेट हमारा क्या होता है बच्चों, पॉलन ग्रेन, और दूसरा होता है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट जो कि होता है ओवरी या ओव्यूल कह लीजिए, बहुत बेसिक। अब पॉलन ग्रेन की बात करें या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की बात करें, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को कहते हैं जेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट आप जानते ही हैं हैप्लॉइड, और जेनेसिस का मतलब बनना। तो गैमेटोजेनेसिस जब मेल में होता है तो उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल में होता है तो उसे कहते हैं मेगा स्पोरो जेनेसिस। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं दोनों लोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सॉरी ये आपने देख लिया, अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरो जेनेसिस की। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि माइक्रोस्पोरो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, तो यहां पे हम हेडिंग डालते हैं माइक्रोस्पोरो जेनेसिस, माइक्रोस्पोरो जेनेसिस, और इसके बारे में हम बात करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो आपको क्या पता चला है कहां पे बनेगा, मेल में। मेल क्या है, एंथर। एंथर आपको कुछ ऐसा बना हुआ दिखाए थे हम, याद आ रहा है, एंथर और फिलामेंट। अगर इसको हम जूम करते हैं तो ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा, तितली उड़ी पेड़ पे चढ़ी, ऐसा कुछ दिखेगा एंथर। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर, कहते हैं बच्चों माइक्रोस्पोर, और ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड या तो दो लोब दिख रहे होंगे, एक लोब और दो लोब, बाइलोब, और हर लोब में दो थीका होता है, तो बाइलोब डाइथिकस। अब ये बाइलोब डाइथिकस हम आपको अभी समझाते हैं, ये आपको दिखता है कुछ देखिए ऐसा होता है बच्चों, ये दिख रहा है आपको, देखिए बाइलोब, एक लोग ये और एक पूरा लोग ये, पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हैं पर मेरा हाथ उतना बड़ा तो है नहीं, एनबीए प्लेयर जितना, एक लोग और ये दो लोग, एक लोग में कितने थीका है, दो, तो एक लोग में दो थीका और टोटल चार थीका हो जाता है, तो बाइलोब और डाइथिकस कहते हैं। तो टोटल कितना थीका होगा, चार थीका, देखिए एक लोग और दो लोग ये आपस में कनेक्टेड होगा, तो एक दो तीन चार, तो चार थीका होते हैं और एक साइड में दो थीका होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बाइलोब और डाइथिकस। इसके अंदर यहां पे हर जगह होता है एमएमसी, जिसको क्या कहते हैं मेगा स्पोर, सॉरी यहां पे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के किनारे चार लेयर होते हैं, ठीक है। चारों लेयर की बात करते हैं, क्या क्या कहते हैं, सबसे बाहर के लेयर को हमेशा की तरह एपिडर्मिस, दूसरे लेयर को एंडोडर्मिस, तीसरे लेयर को मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाले को टैपेटम। अब देखिए ये आपके एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है इसकी बात करते हैं। ये तीनों का काम, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर का काम बेसिकली जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ एमएमसी। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही लगातार माइटोसिस और मियोसिस होगा, तब जाके गैमेट आएगा जिसको कहते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक। टैपेटम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टैपेटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट, नरिशमेंट मतलब खाना देता है, एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर में काम आता है बच्चों। डेहिसेंस ऑफ एंथर का मतलब क्या होता है, जब एंथर बन जाएगा तो आपको दिखाते हैं, ये रहा आपका एंथर का एक पार्ट, चार लोग था उसमें से एक हम दिखा रहे हैं, चार लेयर होंगे मतलब एक, देखिए दूसरा लेयर, देखिए तीसरा लेयर, और देखिए चौथा लेयर। अब यहां पे अंदर पॉलन ग्रेन बन गया है, तो डेहिसेंस का मतलब ये यहां से ऐसे फटना स्टार्ट होगा, देखिए ये ऐसे फटेगा, फिर ये आगे फटेगा और फाइनली पूरा फटेगा और पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा।
तो पॉलन ग्रेन यहीं से ऐसे फटके रिलीज होता है, उसी को कहते हैं डाइसेंस ऑफ एंथर। अब देखिए जो पॉलन ग्रेन आपका बनेगा, पॉलन ग्रेन आपका टू सेल स्टेज पे रिलीज होता है। कितने पे रिलीज होता है? टू सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन, ठीक है। एक होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है जेनरेटिव। वेजिटेटिव सेल का काम होता है जेनरेटिव सेल को खाना देना, और जेनरेटिव सेल ही आगे चलकर रिप्रोड्यूस करेगा। अब अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन में दो लेयर होते हैं। देखिए पॉलन ग्रेन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर यहां पे होता है जर्म पोर, जिसमें से पॉलन ट्यूब इन फ्यूचर निकलेगा। आउटर लेयर बना होता है स्पोरोपोलिनिन से, स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, जिसके कारण पॉलन ग्रेन सालों साल तक बचा रहता है। स्पोरोपोलिनिन को कोई भी चीज खत्म नहीं कर सकती है। तो ये मत सोचिएगा कि ये डायमंड है। और इनर लेयर जो होता है, इनर लेयर देखिए आउटर लेयर और ये इनर लेयर, इनर लेयर जो होता है वो बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। आउटर लेयर स्पोरोपोलिनिन, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, हार्डेस्ट केमिकल, केमिकल हार्डेस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसको ना एक्सरे ना खत्म कर सकता है, ना हीट खत्म कर सकता है, ना टेम्परेचर खत्म कर सकता है। ये था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम बढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस पे। मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करें तो जैसे कि इसको कहा गया माइक्रो, वैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमेट का। फीमेल गैमेट क्या होता है बच्चों? ओवरी। ये आप लोगों को बताया गया स्टार्टिंग में वीडियो के। तो अब क्योंकि मेरे पास बोर्ड है तो हम बस इस माइक्रो को मिटा देंगे और यहां वन की जगह टू कर देंगे और वन टू का फोर और लिख देंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट होता क्या है? ओवरी। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे भी एमएमसी होता है और यहां के एमएमसी को मेगा स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। देखिए मां की कितनी जरूरत है, हर जगह मदर ही मदर है। फादर सेल कहीं कहा ही नहीं जा रहा, फादर की इज्जत नहीं है। तो मेगा स्पोर मदर सेल एक सिंगल होता है, सिंगल सेल। इसका पहले होगा दो माइटोसिस, ठीक है, सॉरी एक मियोसिस होगा, और मियोसिस से एक से कितने सेल बन जाते हैं? चार। और फिर चार में से तीन डीजेनरेट कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। बचेगा कितना? एक। और ये एक फर्दर माइटोसिस करेगा, ठीक, और माइटोसिस करके फीमेल गैमेट बनाएगा। अब देखिए हम बनाते हैं फीमेल गैमेट को, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये होता है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेवन सेल और एट न्यूक्लिएट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीगोनम टाइप। क्या कहते हैं? पॉलीगोनम टाइप। सेवन सेल एट न्यूक्लिएट कैसे होता है? देखिए यहां पे जो डॉट है छोटे छोटे, वो न्यूक्लियस है। तो तीन और तीन कितने हो गए? छह, और बीच में दो, तो टोटल आठ न्यूक्लियस हो गए। पर सेल देखिए यहां पे तो पार्टीशन है, यहां भी तीनों में पार्टीशन है, पर यहां दोनों में पार्टीशन नहीं है, तो ये एक सेल होगा। तो सेवन सेल और एट न्यूक्लियस। अब इनको नाम दे दिया जाए क्योंकि जानते तो नाम से ही है। ये होता है पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स, और इधर चला जाता। तो ये होता है आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आज की कथा में ही समाप्त करेंगे माइक्रो और मेगा के बाद। प्री फर्टिलाइजेशन की कहानी यहाँ पे खत्म हुई, अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार हमें दिखाते रहें। साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।